हेलो एवरीबॉडी, सो वी आर बैक अगेन विद अनदर सीरीज जिसमें हम न्यूबॉर्न की छोटी छोटी ऐसी बातों की बात करेंगे जो एक्चुअली नॉर्मल है और हम उसके बारे में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं. मैं आपकी अपनी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रभजीत, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड पीडियाट्रिशियन एंड इंटेंसिविस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़. हिचकी, हिकअप्स बहुत आती हैं, क्या करें, बहुत तंग करती हैं, क्या करें, बच्चा परेशान हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज हिकअप्स, ये कैसे रोक सकते हैं और ये अच्छी हैं कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. हिकअप्स इज़ अ सडन कॉन्ट्रैक्शन. हिचकी आना माने जो डायफ्राम है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो एयर का रिफ्लक्स है वो हमारे ग्लॉटस माने गले की जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें से सडन आवाज़ आती है, उसको हिचकी कहा जाता है. टेक्निकली इट इज़ जस्ट द इरिटेशन ऑफ अ नर्व, माने जैसे एक किसी नर्व की एंडिंग्स होती हैं उसकी थोड़ी इरिटेशन है, तो ये टेक्निकल रीज़न है. सो इट इज़ अ नॉर्मल रिफ्लेक्स, इसके से हमें डरना नहीं है. सो अगर बच्चे को हिचकी आ रही है, या तो बच्चे का पेट खाली है या बहुत ज़्यादा भर गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीथ से, मे बी हो सकता है गैस की इरिटेशन से भी वो नर्व इरिटेट हो गई हो. तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली हमें उसकी इरिटेशन को सेटल करना है. एक तो सबसे पहली बात, चिंतित ना हो, डोंट पैनिक, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल रिफ्लेक्स. ये आपको बताते हैं कि उसका नर्वस सिस्टम ठीक से डिवेल्प हो रहा है. और इसको रोकने के लिए आप बच्चे को कंधे लगा लें, उठा लें, हेड अप, और बहुत अच्छे से पैट करना शुरू कर दें उसकी बैक पर. इट इज़ काइंड ऑफ अ फिजियो, माने हम उसको एक स्टिमुलस देंगे, एक और स्टिमुलस देना शुरू कर देते हैं, कुछ और नर्व्स पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो, अगर वो एयर बबल है तो भी डिसलॉज हो जाएगा, अगर वो ओवर डिस्टेंडेड एब्डामन है माने पेट बहुत ज़्यादा भर गया है तो वो हेल्प करेगा उसको मूवमेंट में. और अगर आपका बच्चा भूखा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसका फीड का टाइम है और उसको भूख लगी है, तो जैसे आप फीड कराना शुरू करेंगे वो हिकअप्स ठीक हो जाएंगे. अनदर क्वेश्चन, क्या फीड करा सकते हैं ड्यूरिंग हिकअप्स? एब्सोल्युटली नॉर्मल, हम फीड करा सकते हैं. रादर कई बार जब बच्चा फीड लेता है और अच्छे से एक गुड अमाउंट ऑफ फीड गैलप करता है या स्वेलो करता है, ये भी उसकी जो फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन को बंद करने में हेल्प करता है, तो उसको हिचकी बंद करने में उसकी मदद करता है. सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ हिकअप्स विल हेल्प यू. थैंक यू.